हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? और एक नया दिन, एक नया व्लॉग। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है वो मैंने सोचा कि KDA हाउसिंग स्कीम के बारे में बनाया जाए आप लोगों के लिए एक वीडियो। तो जनाब, ये वीडियो हाजिर है और ये हम जाते हुए उस रास्ते पे। अच्छा, जब हम सिविक सेंटर से लेफ्ट साइड पे लेते हैं पुलिस स्टेशन के बाद, तो जनाब इसी टर्निंग पर ये MMRBO अपार्टमेंट्स आते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं। बहुत ही साफ़ सुथरी गेटेड सोसाइटी बनाई हुई है इन्होंने, और बहुत ही अच्छे और बड़े बड़े खुले खुले गैलरी के साथ अपार्टमेंट्स हैं ये। और राइट साइड पे जो है ये इंडस यूनिवर्सिटी है। कभी किसी दिन जो है इसका अंदर से भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत ही ज़बरदस्त ये यूनिवर्सिटी है, इंडस यूनिवर्सिटी। इसकी कई ब्रांचेस है कराची शहर में, और जिनमें से एक यहाँ पर भी है। और ये पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक इंडस यूनिवर्सिटी है। और जनाब, इसके बाद जो है ये स्टेडियम की बैक साइड पड़ती है, और यहाँ पे दो गेट पड़ते हैं स्टेडियम के, कराची स्टेडियम के, जहाँ के जहाँ पे काफ़ी सारे मैचेस होते हैं। और क्रिकेट के शौकीन लोगों को कराची स्टेडियम के बारे में पता ही होगा, जो कि काफ़ी बड़ा स्टेडियम है कराची का। और जनाब, ये लेफ्ट साइड पर एक और अपार्टमेंट बने हुए हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त से साफ़ सुथरे से अपार्टमेंट्स हैं ये। जनाब बताया था मैंने आपको जिस तरह के गेट मौजूद है यहाँ पर, और इसके आगे भी एक गेट निकलता है आई थिंक। और ये जी पुलिस मोबाइल भी खड़ी हुई है यहाँ बिना किसी काम के, जहाँ वैसे इन लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ पे कमी मैसर आते हैं हमारी पुलिस। बहरहाल लमियान को जो है ना टाइम पे पहुँचने की हिदायत दे हर जना, और बेहतर करने की जो है ना हिदायत दे। और अच्छे बुरे लोग हर जगह ही मौजूद होते हैं। ये जी कराची स्टेडियम का बैक साइड है, और इसी बैक साइड के बिल्कुल लेफ्ट साइड टर्निंग के ऊपर जो है KDA हाउसिंग स्कीम की रास्ता जाता है। और ये जी उस रास्ते पे, और ये लेफ्ट साइड पे जो है काफ़ी सारी स्टेट बनी हुई है, जो कि आपको फैसिलिटेट करती है अंदर सेल परचेज के लिए, और काफ़ी सहूलत हो जाती है इनकी वजह से। और जी ये KDA हाउसिंग सोसाइटी है, ऑफिसर्स सोसाइटी, जो कि अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही साफ़ सुथरी ये सोसाइटी बनी हुई है, बहुत ही मेंटेन बनी हुई है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। पूरी ग्रीनरी चारों तरफ की गई है, और पार्क्स बनाए गए हैं। हर चार छः गली के बाद आपको यहाँ पे छोटे छोटे पार्क्स मिलेंगे। और ये आप राइट साइड पे जो लेन देख रहे हैं वो पूरा एक ट्रैक है जो आगे तक जा रहा है, और लोग शाम को यहाँ पर वॉक करते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा सुकून दे माहौल है यहाँ का। पौधे और दरख्त जो है हर जगह ही माहौल को बेहतर बना देते हैं जहाँ पे भी ये चीज़ होती है। एक तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं जैसे कि पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि ग्रीनरी होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे इर्द गिर्द, जो कि हमारे आने वाले माहौल को बेहतर करती है, और इस आलूदगी को जो कि बढ़ती ही जा रही है हमारे प्लानट के लिए ख़तरनाक है, और जिसके अफेक्ट्स हम लोग भुगत भी रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम चारों तरफ ग्रीनरी करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, जो कि आगे जाके हमारी नस्लों को फ़ायदा पहुंचाएं। हम एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं अपने आने वाले बच्चों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए, कि हम उनको ये चीज़ दे के जा सकें, और इसका सवाब हमें आखिरत में हमारी कब्र में तक क़यामत भी मिलता रहता है। और जैसे कि हम सबको ही पता है कुरान शरीफ में क्या कहा गया है, तो हमें चाहिए कि वो छोटी छोटी सीधा सीधा बातों को फॉलो करें और उन पर अमल करने की कोशिश करें, और अपने लिए भी और अपने आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतर माहौल बनाने की कोशिश करें। तो जनाब, ये सोसाइटी के बारे में बताती चलूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सोसाइटी है। और ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जगह जगह पार्क्स बने हुए हैं, लेकिन कुछ पार्क्स ऐसे हैं जो कि मेंटेन नहीं हैं। जैसा कि ये एक पार्क आपको दिख रहा होगा, छोटी ही एरिया पे बना हुआ है, लेकिन आगे जाके हो सकता है मे बी ये लोग मेंटेन करें। एक आध पार्क इस तरह के भी हैं जो कि काफ़ी वेल मेंटेन भी हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे जी बैंक अल्फला की ब्रांच भी है, एक आध शॉप्स भी हैं कि आप अपनी छोटी मोटी सब्जियाँ ले सकें या कुछ भी। अदरवाइज सोसाइटी से बाहर जो है एक शाह सुपर मार्केट भी बनी हुई है, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें
मिलती हैं और दीगर शॉप्स भी हैं, बेकरीज भी हैं, यूनाइटेड भी है, हॉबनॉब भी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप बाहर जाके परचेज़ कर सकते हैं। और देखिए जी, बातों बातों में दूसरा पार्क आ चुका है, ये थोड़ा सा मेंटेन हुआ हुआ है और ज़बरदस्त किस्म का ये पार्क था। इसको मैं आगे से आपको ज़रूर घूम के दिखाऊंगी, अभी तो मैं फ़िलहाल आपको ये मस्जिद दिखाती हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मस्जिद थी और बड़ी मुझे खुशी हुई इसको देख के, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी और मैंने रुक के भी इसकी वीडियो बनाई। अच्छा, इस मस्जिद का नाम था जबले अली आई थिंक था, नहीं सॉरी मस्जिद जबल नाम था इसका और बहुत ही ये ज़बरदस्त मस्जिद थी। अच्छा, उस वक्त जो है अज़ान हुई ही थी और नमाजियों का आना जाना लगा हुआ था, तो मैंने खैर बाहर से ही थोड़ी सी वीडियो बनाई और बहुत मुझे अच्छा लगा क्योंकि इतनी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और हम सबको चाहिए कि हम अपनी बसात के मुताबिक जो है मस्जिदों की कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा डाला करें ताकि खूबसूरत खूबसूरत मस्जिदें जो है ना हमारे इर्द गिर्द कायम रहें और आबाद रहें। और अल्लाह मियाँ हम सब के बच्चों को और हम सब को जो है नमाज रोज़े की तलकीन दें और उसकी रहमत और उसकी बरकत हम सबकी ज़िंदगियों पे कायम रखें। बहरहाल ये जी मैंने सोचा कि मैं अंदर से थोड़ा सा मुझे व्यू मिल जाए और ये मैंने इस तरफ आके बनाने की कोशिश की और अंदर नमाज हो रही थी उस वक्त, नमाजी आ जा रहे थे, बहुत ही खूबसूरत ये लग रही थी बाहर से, तो मैं यही सोच रही थी कि अंदर से कितनी खूबसूरत बनी हुई होगी। और ये जी ज़बरदस्त है इसका व्यू था मस्जिद का। और ये वो पार्क था जो कि मस्जिद के बिल्कुल एंड सामने बना हुआ था, लेकिन थोड़ा सा गंदा हो रहा था और हम आप जैसे ही लोग होते हैं जो कचरा फैलाते रहते हैं और प्लीज़ ना किया करें इस तरह की हरकत, क्योंकि हमारा ही शहर है, हमारा ही मुल्क है, इसको साफ़ रखना हमारी ही ज़िम्मेदारी है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो हम अवॉइड कर सकते हैं, प्लीज़ अवॉइड किया करें। अपने बच्चों को भी ये बात सिखाया करें कि ना गाड़ी से बाहर कचरा फेंका करें, ना कहीं और कचरा फेंका करें, रोड, सड़क, पार्क और घूमने फिरने की किसी जगह पर इस तरह की हरकत ना किया करें। बिन्स रखे हुए होते हैं जो कि हमारी सहूलत के लिए वहाँ पे लगे हुए होते हैं, तो बराए करम थोड़ा सा चल के जाएं, थोड़ी सी जहमत करें और वहाँ पे कचरा जाके फेंकें, और अगर आपको ना मिले तो शॉपर में डाल के घर लेकर आएं, वहाँ कचरा फेंक दें। बहरहाल बहुत ज़बरदस्ती ये सोसाइटी थी, मुझे बड़ा मज़ा आया ये वीडियो बनाने में। और यहाँ पे 200 yards टू 40 और 400 और 600 yards के घर मौजूद थे और अंडर कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी सारे घर हमें देखने को मिले जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहे थे। और घरों के बाहर सब ने बहुत अच्छे से गार्डन्स जो है ना मेंटेन किए हुए हैं और दरख्त लगाए हुए हैं, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर कि काफ़ी अच्छे से जो है ना ये पूरी सोसाइटी मेंटेन हुई हुई है। और कराची के बड़े पॉश एरियाज में से ये एक एरिया है। और मज़े की बात सबसे यहाँ की एक ये है कि यहाँ ना तो पानी की कोई परेशानी है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी की कोई परेशानी है, और ऐसा लगता है कि ये एरिया जो है कराची से बाहर है या पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि यहाँ बिजली पानी का कोई इशू ही नहीं है। तो अल्लामिया जो है बाकी सारे एरियाज़ में इसी तरह बरकत डाले और वहाँ पे भी जो है ना बिजली पानी का इशू ख़त्म हो जाए, और क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं जो कि हम सबको मिलनी चाहिए और बाकी सारे हमारे भाई बहन और फैमिलीज़ को मिलनी चाहिए। और बहुत ही तरीके से जो है इस सोसाइटी को मेंटेन किया गया है। और ये जो है ना बच्चा पार्टी उस वक्त चिलचिलाती हुई धूप में घूम रही थी, तो पता ये चला कि इनके तीन बकरे थे, उनमें से एक बकरा बहुत ही खुर्राट टाइप का था और वो सबको जो ना मार पीट रहा था, और उसके बाद इन दी एंड जाके उसने अपना सर भी मारा दरख्त से और उसके बाद फिर वो आगे भाग गया। तो ये बच्चे बेचारे लेके तो चले थे घुमाने के लिए उन्हें, लेकिन फिर डर गए थे और उनकी रस्सियाँ छोड़ दी थी और वो बस वो कहीं भाग रहे थे, ये कहीं भाग रहे थे। तो इस पूरे एरिया में जब तक हम अपना विज़िट करते रहे और अपनी वीडियो बनाते रहे, हमें दो चार लोगों के अलावा और मज़दूरों के अलावा ये बच्चा पार्टी ही घूमती फिरती और चीखती चिल्लाती मिली। तो बड़ा मज़े का और फ़नी सीन चल रहा था। आगे जाके जो है मैं एक मस्जिद की भी वीडियो बनाने के लिए उतरने की कोशिश कर रही थी या सोच रही थी, लेकिन वहाँ पे अचानक ही ये बच्चा पार्टी नमूदार हुई और इनके वो दहशतगर्द बकरे नमूदार हुए, तो फिर मैंने अपना जो है इरादा तर्क कर दिया कि मैं वीडियो उतर के नहीं बनाती, मैं गाड़ी में से ही वीडियो बना लेती हूँ उस मस्जिद की, क्योंकि वो बकरा बड़ा ही ख़तरनाक था।
तो खैर पता नहीं किस तरह ये लोग घर पहुँचे होंगे। बहरहाल हम तो अपना काम करते रहे और ये बनाते बनाते हम लोग एक पार्क पे पहुँचे थे। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर से भी वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि प्लीज़ गाड़ी ज़रा साइड में लगा लें, मैं एक अंदर से व्यू ले लूँ ना। तो फिर उतर के मैं इसका नाम वगैरह पार्क का जो है ना देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैमरा एंगल ऐसे पड़ा कि वो बिल्कुल जो है ना अंधेरे अंधेरे में आ गया। बहरहाल जो भी है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा सा ये पार्क था और बहुत मेंटेन था, ये देख सकते हैं आप लोग। तो जी यहाँ पर ट्रैक्स भी बने हुए हैं और पूरी पार्क जो है अच्छे तरीके से मेंटेन भी हुआ हुआ है, ग्रास भी लगी हुई है। तो बहुत ज़रूरी लगता है मुझे बच्चों के लिए पार्क और ग्राउंड्स का होना। और इस सोसाइटी की अच्छी बात मुझे ये लगी कि हर चौथी पांचवी गली में आपको एक छोटा सा पार्क नज़र आ जाएगा, नहीं तो दो तीन बड़े पार्क तो बने हुए हैं, जैसा कि एक ही है मौजूद है। और पूरा इधर इन्होंने ट्रैक भी बनाया हुआ था, ग्रास भी है, लोग आते हैं, बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, टाइम को वॉक करते हैं। और आजकल बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हो चुके हैं, और जो कि अच्छी बात भी है, और वॉक भी करनी चाहिए, और इसके अलावा बच्चों को जो है खेलने कूदने के लिए भी निकालना चाहिए। तो ग्राउंड्स जो है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़रूरी हैं, जो कि कराची में बहुत कम हैं। हर एरिया में दो तीन ग्राउंड्स और दो तीन पार्क ज़रूर ऐसे होने चाहिए जहाँ फैमिलीज जाएँ। तो जी ये था पार्क का व्यू, और पार्क से निकलते ही ये दो जनाब हमें पता नहीं ज़मीन में क्या तलाश करते हुए नज़र आए। बहरहाल बड़े मज़े का लगा मुझे ये, और इस तरह के जो है चीज़ों से डेकोरेशन कर लेनी चाहिए और बहुत अच्छा लगता है। आप ख़ुद भी अच्छा फील करते हैं अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को अच्छे से डेकोरेट करके। और ये वाला घर ख़ास तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि इन्होंने जिस तरह इस एरिया को यूटिलाइज़ किया है अपने, और बाहर का पैसेज निकाला है, वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा था कि ऊपर के एरिया का जो पैसेज है वो उन्होंने टोटली अलग करके बहुत ही तरीके से जो है ना बनाया, जिस भी इंजीनियर ने बनाया होगा इसका नक्शा, तो बहुत ही अच्छे से उसने सारे एरिया को यूटिलाइज़ किया। बहरहाल जी ये एक और मस्जिद थी जो कि हमें नज़र आई थी।
तो ये थी आज की ज़बरदस्त सी वीडियो, आज के ज़बरदस्त से जो है सोसाइटी के बारे में। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। और जनाब ये नेवल सोसाइटी थी लेफ्ट साइड पे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और राइट साइड पे वही स्टेडियम का बैक एरिया लग रहा है। और ये आगे जाके मेन गेट भी आपको नज़र आएगा नेवल सोसाइटी का। और नेक्स्ट टाइम ज़रूर कभी इस सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको जो भी इसकी चीज़ें होंगी वो ज़रूर शेयर करेंगे। तो जनाब वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।